हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शाजिर रेस्ट डिजाइन्स फॉर फ्रेंड। आज हम बनाने वाले हैं समर कोट। बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कॉटन फैब्रिक। सो फर्स्टली हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट कट करने के लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा है। यू कैन सी, ये देखिए, यहाँ मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रख दिया है। समर कोट है तो इसको हम लूज ही रखेंगे। तो यहाँ मैंने शोल्डर के लिए 8 इंचेस पर मार्क किया है, ये देखिए। आर्मोल के लिए 7.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। एंड फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। फिटिंग के लिए जो मार्किंग कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ 10 इंचेस पर, एंड 2 इंच में लूजिंग के लिए रखूंगी, एंड 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। सो यू कैन सी, आप देखिए। सो फ्रेंड, हम समर कोट बना रहे हैं तो इसके लिए फिटिंग की ज़रूरत नहीं है, ये हमको स्ट्रेट ही रखना है। एंड बैक जो नेक होगा वहाँ हम 3 इंचेस पर मार्क करेंगे, 1/2 इंचेस का नेक डीप रखेंगे। तो यहाँ जो हमारा बैक पार्ट का जो बीच है वहाँ हमको 4.5 इंचेस तक ओपन रखना है, एंड जो हमारे नीचे से फोल्ड होगा उसके लिए 1 इंच बढ़ा के ले लेंगे, तो 5.5 इंच हम ले लेंगे। देन उसको हम यहाँ से अब कट कर लेते हैं। आर्म होल में इस तरीके से राउंड शेप देना है, देन उसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं। सो अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक को रख लिया है, एंड अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट रखूंगी। एंड 1.5 इंच का 1.5 इंच हमको बैक पार्ट से बढ़ाकर रखना है, क्योंकि आगे जो हम बटन लगाएंगे, बटन पट्टी लगेगी। तो यहाँ मैं 1.5 इंच बढ़ाकर ले रही हूँ। एंड आर्म होल में हल्की सी गोलाई देंगे, अगर आप चाहो तो दीजिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये समर कोट है तो इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नेक विथ के लिए भी 3 इंचेस पर मार्क करेंगे, एंड नेक लेंथ होगी वो उसे रखेंगे हम 6.5 इंचेस रखेंगे। एंड इस तरीके से वी शेप में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हमको प्रॉपर वी शेप नहीं रखना है, हल्की सी गोलाई देनी है, इस तरीके से हल्की सी गोलाई में रखना है। एंड साइड से भी ये हमारे फुल ओपन रहेंगे, तो यहाँ भी मैं 5.5 इंचेस पे मार्क करूँगी। एंड जो बीच में से हम इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। स्लीव्स की जो लेंथ ली है वो ली है मैंने 23 इंचेस, एंड विड्थ ली है मैंने 10.5 इंचेस। तो यहाँ मेरे जो चौड़ाई में फैब्रिक कम था, तो नीचे मैंने फैब्रिक जॉइंट कर लिया था कपड़ा। तो अब आपका अगर पूरा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम रहता है तो आप भी इस तरीके से फैब्रिक को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आगे से 5.5 इंचेस मुझे रखना है, एंड 1 इंच में मार्जिन के लिए ले रही हूँ। तो इस तरीके से मार्किंग करेंगे, देन उसके बाद कट कर देंगे। तो यहाँ जो बैक पार्ट पे हमने बीच में कट लगाया था उसके ऊपर हम इस तरीके से एक फैब्रिक को रखेंगे एंड स्टिचिंग लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं स्टिचिंग लगा रही हूँ। सो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो इस तरीके से स्टिचिंग लगाने के बाद हम यहाँ कट लगाएंगे, एंड कट लगाने के बाद तो यहाँ से दोनों साइड को हमको हल्का हल्का सा कट लगाना है, इस तरीके से कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर अदरवाइज नहीं लगाते हैं तो फिनिशिंग से ये फैब्रिक है ये फोल्ड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हम कट लगाएंगे, तो इस तरीके से इसको
फोल्ड कर देंगे एंड फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ के स्टिचिंग लगा देंगे। सो यू कैन सी, ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है। सो अब यहाँ नेक के साइड से हम हाफ इंच की सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए एक पैर की सिलाई लगाएंगे, हाफ इंच तो ज़्यादा हो गए, एक पैर की सिलाई लगाएंगे तो जिससे कि जो गैप आया है नीचे की साइड वो भर जाएगा, वो गैप दिखेगा नहीं। सो ये देखिए कितना फिनिशिंग में आ गया ये। एंड यहाँ मैंने एक स्ट्रैप ली है वाइट कलर की, इसको मैं वन साइड से इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी एंड स्टिचिंग लगा दूंगी। सो फ्रेंड, इस स्ट्रैप की जो चौड़ाई है वो 3 inches है, 3 inch चौड़ी मैंने ये स्ट्रैप ली है। तो इस तरीके से स्ट्रैप को लेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा उसको हम यहाँ नेक के नीचे इस तरीके से रखना है हमको। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से रखेंगे एंड स्टिचिंग लगाएंगे। देखिए नेक की साइड से हमको इस तरीके से स्टिचिंग लगानी है। सो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लेंगे एंड यहाँ हल्का सा कट लगा लेंगे एंड यहाँ से भी हल्का हल्का सा कट लगा देंगे। देखिए इस तरीके से नॉक है उसको कट कर देंगे एंड अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से इसको हम सीधा कर लेंगे तो दोनों साइड को हमको इसी तरीके से रेडी करना है एंड इस तरीके से ऊपर की साइड एक सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी सिलाई हो गई है, दोनों साइड हमने इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। ये देखिए अब हम शोल्डर को अटैच कर देते हैं, तो दोनों शोल्डर को अटैच कर देंगे। तो अब हम कॉलर को नाप लेते हैं कि हमारी कॉलर कितनी बड़ी लगनी है। तो इस तरीके से हम चिटेप को घुमाते जाएंगे और कॉलर को हम नापेंगे। तो ये जो हमारी कॉलर आई है वो आई है 17.5 inches। सो यहाँ मैंने कैनवास पेपर लिया है जिसकी लेंथ है 7.5 inches एंड इसकी चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 inches। सो इसको 2 fold में रखेंगे इस तरीके से। 2 fold में रखने के बाद ऊपर की साइड से हल्की सी गोलाई देंगे, नीचे की साइड से हल्की सी गोलाई देनी है। सो मैंने यह एक फैब्रिक लिया है, इसको मैं 2 fold में रखूंगी एंड 2 fold में रखने के बाद इसके ऊपर मैं कैनवास पेपर रखूंगी जो मैंने कॉलर के लिए कट किया था एंड इसको मैं प्रेस से सेट कर दूंगी। सो ये देखिए ये मैंने प्रेस से सेट कर दिया है। अब वन साइड जो होगी हमारी उसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके स्टिचिंग लगा दूंगी। तो यहाँ हमको स्टिचिंग लगानी है एंड जो साइड्स होंगी हमारी यहाँ से भी मैं इसको स्टिचिंग लगा दूंगी। तो अब हम कलर को सीधा कर लेते हैं एंड प्रेस से इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ मैंने एकदम मिड में एक मार्किंग की है एंड जो हमारी शर्ट है उसके भी एकदम बीच में से हम इसको अटैच करना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से दोनों तरफ हम अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा कॉलर अटैच हो गया है।
अब हम इसको इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे एंड जो भी हमारी स्टिचिंग का जो फैब्रिक है उसको कॉलर के अंदर इस तरीके से करके एक सिलाई हम ऊपर से लगा देंगे। सो इसी तरीके से हमको अपना कॉलर अटैच करना है। सो अब हम स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। तो स्लीव्स को अटैच करने के बाद जो हमारी स्लीव्स की आगे की मोहरी हैं हम उनको भी फोल्ड कर देंगे। सो ये देखिए ये हम स्लीव्स की मोहरी भी हमने फोल्ड कर दी एंड जो फिटिंग होगी वो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लीजिएगा और लूज ही लीजिएगा क्योंकि जो समर कोट होते हैं वो लूज होते हैं, ये फिटिंग के नहीं होते। तो इसको यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे, जो हमारी साइड थी जो हमको ओपन रखनी थी इसको हम फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। एंड शर्ट का जो बॉटम है अब हम उसको भी फोल्ड कर देंगे। सो यहाँ मैंने पॉकेट को रेडी कर लिया है। यहाँ शर्ट पर हम नीचे की साइड से 3 इंचेस ऊपर लगाएंगे। देखिए नीचे की साइड से 3 इंचेस का गैप है, 3 इंचेस ऊपर हमको लगाना है। तो यहाँ मैंने दोनों पॉकेट को इस तरीके से अटैच कर देना है। एंड ये देखिए फ्रेंड यहाँ मैंने इसमें बटन लगा लिए हैं। सो फ्रेंड ये हमारा समर कोट बनकर रेडी है, एकदम रेडीमेड स्टाइल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके यूजफुल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।